गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टे चीजी। तो आज है 21 नवंबर, आज है मेरा बर्थडे। बर्थडे विश करो मुझे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था हमारा, तो अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। फिर यहाँ से हमारा चेकआउट है, हम दूसरी जगह जाएंगे और फिर मिलते हैं आपको। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए और इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इडली सांभर पोहा और ये क्या था, रवा उत्पम। हाँ ऐसा कुछ था, पूड़ी सब्जी, काफ़ी सारे ऑप्शन थे इनके पास। इनके पास कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी थे, जूस, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें भी थी, आप ट्राई कर सकते हो। और ये लोग लाइव काउंटर भी चला रहे थे, आप ऑमलेट वगैरह बनवा सकते थे वहाँ पे। तो हमने भी थोड़ा बहुत नाश्ते में लिया, ऑमलेट, ब्रेड, पोहा वगैरह, और बस मस्त इस व्यू के साथ नाश्ता कर रहे थे। ओके जी, तो हम लोग रेडी हो गए हैं और बस चेकआउट होने वाला है हमारा। यहाँ से ये नीला और लाल पहन रखा है जो हम दोनों ने, बहुत ही मस्त लग रहा है। मौसम तो बहुत बढ़िया है ही, जब से हम लोग आए हैं मस्त धूप है, सुबह के टाइम ठंड भी कम रहती है तो आराम से घूमा जाता है। तो अभी हमने रिसेप्शन से बुला लिया है हमारा लगेज उठाने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे स्टे पे। यहाँ पे ये सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो अभी जहाँ हम दूसरी जगह स्टे करने जा रहे हैं वहाँ पर पता करेंगे, फिर देखते हैं अगर हमें कुछ करना होगा तो हम कोई एक्टिविटीज़ में से करेंगे। टिहरी के नियर बाई प्लेसेस कुछ ये है, आप अगर जाना चाहो तो इनमें से कोई जगह पे जा सकते हो। ओके जी, जनता जनार्दन, तो अभी हम लोग जा रहे हैं टिहरी डैम अपने इस ब्यूटीफुल से होटल को बाय बाय करते हुए। और काफ़ी अच्छा स्टे रहा यहाँ पे। अब इन्हीं की दूसरी प्रॉपर्टी है, हम वहाँ जाएंगे फिर उसका रिव्यू देंगे आपको। फिलहाल तो चलते हैं डैम। अभी हम लोग आ गए हैं डैम व्यू पे, व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं। नीचे से अंदर की तरफ नहीं जाने दे रहे थे, डैम पे नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे केवल ऑफिसर्स वाले, ऑफिसर वगैरह और गांव के लोग ही अलाउड हैं। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना रखा है, यहाँ से ही आपको डैम दिख जाता है। वो ये रहा डैम, काफ़ी सुंदर व्यू पॉइंट है, ये देखो। नाइस जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं बोटिंग वाले स्पॉट पे, जहाँ पे बोटिंग और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कैफेज़ भी हैं और वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं, तो हम चलते हैं। गो कार्टिंग भी हो रही है पीछे, वो भी है हमारे। गो कार्टिंग वगैरह नहीं, गो कार्टिंग नहीं है ये, आपकी वो क्वाड बाइक्स होती हैं। अच्छा, हम लोगों ने याद है मॉरिशस में करी थी। अच्छा, वही क्वाड बाइक्स हैं यहाँ पे। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे भी आपको एक ये रिजॉर्ट मिल जाएगा, टिहरी लेक रिजॉर्ट, जो कि जस्ट लेक के बगल में है। और यहाँ पे सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और इस साइड में आपको खाने पीने के लिए भी छोटी छोटी ऐसी दुकानें लगी हैं। बोलो। तो ये यहाँ पे क्वाड बाइक्स भी हैं, ये क्वाड बाइक्स आप टेरेन पे, आई थिंक आगे तक आप पाथ देख रहे हैं वहाँ तक शायद आप लेके जा सकते हैं इसको। नीचे भी स्पेस है, हम लोगों ने पहले भी करा ना ये। हाँ, ये तो पहले भी एक्टिविटीज करी है। यहाँ पे पैरा ग्लाइडिंग भी हो रही है, जो मेरा मन है करने का।
तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं, फिर करेंगे एक्टिविटी। हाँ जी, तो यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं, कुछ लोग आए हुए हैं प्री वेडिंग शूट्स करवाने के लिए। यहाँ पे अभी मुझे पता चला है कि 24 से 28 तक यहाँ पे कोई टहरी फेस्टिवल भी होने वाला है, तो मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है, पेंटिंग वगैरह हो रही है, लाइट्स लग रही है, और वो मेरे पीछे बोट हाउस टाइप का कुछ तैयार हो रहा है। पर हमारा स्टे तो केवल कल तक का है, तो हम तो नहीं अटेंड कर पाएंगे, पर अगर आप में से किसी का प्लान हो रहा है तो आप आ सकते हो 24 से 28 के बीच में फेस्टिवल इंजॉय करने के लिए। तो ये सारी कुछ इनके एक्टिविटीज़ के टाइमिंग है, प्राइसेस हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, राइट? हाँ, ये गवर्नमेंट के ही हैं, गवर्नमेंट प्राइसेस हैं। गवर्नमेंट प्राइसेस हैं, तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर होती है। देखो जी, यहाँ पर सारी बोट वोट लगी हुई है एक लाइन से, काफी सुंदर लग रहा है ये। यहाँ पे आप जितनी भी राइड्स देख रहे हो, हम लोगों ने मॉरिशस में ऑलरेडी कर रखी है, तो अभी तो बिल्कुल, हाँ गोवा में भी करी है, तो अभी तो बिल्कुल मन नहीं है करने का। Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. पैराग्लाइडिंग हो रही है, और जिस तरीके से ये करवा रहे हैं ना, पहले तो मेरी इच्छा थी पर अब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, ना इच्छा हो रही है ना हिम्मत हो रही है कि हम पैराग्लाइडिंग करें। बाप रे, बहुत भयंकर। कितनी दूर होगा यहाँ से? 16-18 किलोमीटर। अच्छा, कितने में करवाते हैं? 2000 पर पर्सन। 24 को कौन सा शो होना है यहाँ पे? 24 को कोई फेस्टिवल? अच्छा, इन्हीं का है, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 500 आदमी आएंगे। अच्छा, पैराग्लाइडिंग हो रही है ना, ये अभी हमें पता चला है कि ये पैराग्लाइडिंग टूरिस्ट को नहीं करवा रहे हैं, इनका जो फेस्टिवल होने वाला है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं, उस पर कोई शो होना है तो उसके लिए ये प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। जी, हमने मंगा लिए हैं गर्मा गर्म मोमोज, चलो खाओ। जी, अभी हमने मंगा लिया है राजमा चावल, और अंकल ने स्पेशली हमें ये पहाड़ी चटनी भी सर्व करके दी है। लग हमारी ग्रीन चटनी जैसी रही है। हाँ, पर अच्छी है, टेस्ट अच्छा है इसका। जी, तो हमारा लंच वंच हो गया है और अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे स्टे पे, जो कि है एक मिनी मालदीव्स। क्यों कह सकते हो? कहते ही है उसे, मिनी मालदीव्स कहते ही है। तो हमारा स्टे है फ्लोटिंग हट पे, जो कि प्रॉपर झील के बीचों बीच में बनाया गया है, काफ़ी सुंदर। तो आज हम वहाँ रुकने वाले हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, चलो चलते हैं। Oh, 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 oh
अपने दूसरे स्टे पे और ये है इसका रिसेप्शन एरिया। जयेश अंदर एंट्री वगैरह करवा रहे हैं और यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें जाना है। यहाँ पे है हमारा स्टे बिल्कुल लेक के बीच में जी। मुझे तो ऊपर से ये देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा है ये, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग पॉइंट पे, वहाँ पे हम अपनी कार पार्क करेंगे और फिर वहाँ से अपने स्टे तक हम लोग जाएंगे बोटिंग से। सो यस, वी आर एक्साइटेड। हाँ जी, हम लोग आ गए हैं बोटिंग पॉइंट पे। यहाँ से हमें बोट लेकर के जाएगी हमारे स्टे पे। रहे हैं बोट पे, हमारा सामान जा चुका है, चलो। पे कॉटेज के नेम्स ना नदियों के नाम पे दे रखा है, गंगा, यमुना, अमृत गंगा, इस तरह। तो देखते हैं हमारा कौन सा है। सो गाइज, यहाँ पे ये लोग कयाकिंग वगैरह भी करवाते हैं, हमें तो आता नहीं है तो हम नहीं करने वाले। और ये जो सामने आपको ये ब्रिज दिख रहा है ना, क्या नाम है इस ब्रिज का? डोबरा चांटी ब्रिज। डोबरा चांटी ब्रिज है ये। रात में काफ़ी अच्छा लगता है, लाइटिंग वगैरह यहाँ की जल जाती है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो वो भी हमें यहाँ से आराम से दिखेगा। एंड उसके बाद हमारा ये स्टेकेशन। हैप्पी बर्थडे। ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसको तो बिगाड़ने का मन ही नहीं करेगा। वाओ, थैंक यू। ये तो बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू सो मच। और अब मैं आप लोगों को दे देती हूँ रूम टूर दे देती हूँ। ये था यहाँ का एंट्री गेट। और एंट्री करते ही मेरे बेबी ने मेरे लिए डेकोरेट करवाया था ये प्यारा सा रूम। यहाँ पे है बेड, इधर है सिटिंग एरिया, यहाँ पे है एक मिनी सा फ्रिज एंड मिरर, और यहाँ पे है एक वर्किंग डेस्क। इधर कुछ नहीं है, रोशनी के लिए डाल रखा है। यहाँ है एक अलमीरा और इधर साइड है वॉशरूम, छोटा सा वॉशरूम है, नाइस। और मेन दिखाते हैं आपको यहाँ का ये व्यू, हमारी बालकनी इस कॉटेज की। ओ वाओ,
बड़ी सी बालकनी जहाँ पे बैठने का भी है। एंड लुक एट दिस व्यू, बिल्कुल पानी के बीचों बीच, इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत और इतना शांत। मज़ा आ गया, मज़ा। यहाँ पानी में देखो छोटी छोटी मछलियाँ कैसे तैर रही है। वाओ, बेस्ट बर्थडे एवर। और अब ये केक आ चुका है, तो मैडम तैयार है केक काटने के लिए। तो चलिए मैम, काटिए आप केक। ये आओ आओ खिलाओ, निकालो तो पहले पीस, बड़ा सा पीस। आओ आओ आओ, खा रहा हूँ। आ रहा तो गाइज, हम लोगों ने केक वेक कट कर लिया है और मेरे बेबी ने मुझे रात में 12 बजे ही मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया था, ये बैग जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर इसका कलर है। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू इसके लिए भी। मुझे ये सरप्राइज बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आई लव यू और थैंक यू। तो मेरा पति परमेश्वर तब से वेट कर रहा था कि कब मैं केक वेक कट करूँ, कब फोटो वोटो खिंचा के हम लोग फ्री हो, ताकि ये बेड पे आराम कर सके डेकोरेशन हटा के। चलो बस हो गया, लेट्स गो। हाँ जी, तो शाम के बज रहे हैं 5 और हम लोगों ने मंगा लिया है ये चिली पटैटो। थोड़ी सी भूख लग रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं ऑर्डर किया है अभी अभी, हल्का फुल्का ही कुछ ऐसे ही स्नैक उसमें खा लेते हैं। इस व्यू के साथ सनसेट हो गया है, सामने हुआ है सनसेट लग रहा है। चलो खाते हैं। हेलो, सो हम लोग अपने बेसिक्स में आ गए हैं। ठंड हो गई है तो मैंने ये स्वेटशर्ट पहन ली है जो कि मुझे मेरे बेबी ने गिफ्ट दी थी। और आपको मेरे सामने का मैं व्यू दिखाती हूँ, ज़रा देखिए आप। वाओ, ये ब्रिज है जो मैं सुबह दिखा रही थी आप लोगों को। इस टाइम यहाँ पे लाइटिंग हो रही है और इतना प्यारा लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इनका सिटिंग एरिया है जहाँ पे लाइव म्यूजिक वगैरह चलते हैं, और इस टाइम लाइट वाइट ऑन हो गई है। ये व्यू इस टाइम ऐसे लग रहा है ना कि हम लोग कहीं फॉरेन में आके बैठे हैं, इतनी प्यारी पिक्चर आ रही है ना यहाँ पे इस काउच पे बैठ करके, इतनी प्यारी इस बैकग्राउंड के साथ इतनी प्यारी पिक्चर आ रही है ना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो गाइज, पिक्चर देखो वहाँ पे मेरी। और अभी इस टाइम म्यूजिक स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। आप रात का व्यू देखो गाइज, यहाँ से बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम। अभी तो मैं आपको ऐसे बता भी नहीं सकती कितना सामने से कितना प्यारा लग रहा है, और ख़ासकर वो जो ब्रिज है ना, वो 4 चांद लगा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है इस टाइम। हाँ जी गाइस, खाना आ गया है और मेरा बेचारा बेबी खाना सर्व कर रहा है मेरे को। और क्या क्या है, क्या क्या मंगाया है? तो वही है। क्या मंगाया है? इसमें पनीर है। ओह, इसमें जीरा राइस है। और इसमें हमारी रोटियां हैं। नाइस गाइस, ये यहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के सारे हट जो है वो नदियों के नाम पे रखे गए हैं।